खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज और एबीपी न्यूज पर 24/7 चुनाव की कवरेज आप देख ही रहे हैं। ये सिलसिला चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में चुनाव का माहौल पूरी तरह से बन चुका है। चुनाव आयोग ने कल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बस एक महीने का समय बचा है लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने में। कल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज ने देश का मूड जाना। हम आपको बताते हैं कि देश का राजनीतिक अपडेट क्या है। तो 2019 के पहले वोट में बचे हैं सिर्फ 30 दिन। 11 मई से 19 मई तक 7 चरणों में होगा चुनाव। 23 मई को नई सरकार का आ जाएगा फैसला। पता चलेगा कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री। चुनाव का तारीख होते ही सर्वे भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मोदी का गठबंधन सबसे आगे लेकिन बहुमत से पीछे। सर्वे में राहुल के गठबंधन के अच्छे दिन के भी संकेत नहीं। यूपीए अन्य के साथ मिलकर रेस में तो आ सकता है। यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने के आसार। ये तो हुई आंकड़ों की बात, अब सुनिए लोगों की जुबानी से उनके मन की बात। देश की राजधानी दिल्ली क्या कहती है। हमारी सहयोगी अंजलि सिंह ने दिल्ली के तिलक ब्रिज स्टेशन पर दफ्तर जाने वाले लोगों से बात की तो ज्यादातर लोगों की राय थी कि 2019 में नरेंद्र मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। 2019 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और कौन जीतेगा इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव, दिल्ली की जनता हमारे साथ है। दिल्ली के तिलक ब्रिज स्टेशन पर इस समय हम मौजूद हैं। सुबह का वक्त है और बहुत भीड़ होती है क्योंकि दफ्तर जाने वाले लोग काफी तादाद में यहाँ पर होते हैं। सुबह सुबह लोग इंतजार भी कर रहे हैं ट्रेन का। बताइए सर, 2019 कौन जीत रहा है, क्या लगता है जनता को? हमें तो लगता है बीजेपी जीतेगी आपकी बार। काम किस वजह से? हाँ, काम की वजह से। आप अपनी 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 राय भी? मोदी जी जीत रहे हैं सर। अगले साल की उससे ज्यादा अपार बहुमत से जीतेगी इस बार। अच्छा, मतलब पिछली बार से भी ज्यादा लेकर? जी। मतलब आप तो और चुनावी अटकलों को आपने अलग? बिल्कुल, और काम के आधार पर वे जीतेंगे। काम किए हैं इसलिए जीतेंगे और जनता उधर भारी बहुमत से जीतेगी। कौन जीत रहे 2000? मोदी जीतेंगे। क्यों जीत रहे? मोदी जीतेगा। मोदी क्या है, बहुत ज्यादा मोदी ने काम किया। ये स्टैक भी है मोदी। किस वजह से? आपने कहा एयर स्ट्राइक भी की है। काम भी किया, गांव में भी काम किया, लाइट वगैरह और सड़क वगैरह बहुत सारी बनवाई मोदी। कौन जीत रहा है? मोदी। मैडम मोदी। राहुल गांधी नहीं जीत रहे, किसी को नहीं लग रहा? नो मैडम, मोदी जीतेंगे। कौन जीतने वाला है 2019 कौन जीत रहा है भैया? हाँ जी, 2019 कौन जीत रहा है? कोई जरूरत नहीं है, मोदी जी जीत रहे। आपको क्या लग रहा है इस बार पीएम मोदी जी बनेंगे? मोदी जी, श्योर श्योर मोदी जी जीतेंगे। भाई कोई और है जो बता, 2019 कौन जीत रहा है? मोदी। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो, कोई कंपटीशन नहीं है। मोदी जी। ओनली मोदी। अच्छा जी, कौन जीत रहा है 2019? मोदी जी जीतेगा, कौन उसके उसमें कोई है नहीं। अच्छा, खास क्या है मोदी जी 100% कह रहे हैं, किस क्या वजह कुछ बता भाई? काम क्या है लोग? उन्होंने जो देश की रक्षा के लिए जो उन्होंने किया कांग्रेस कभी नहीं कर सकती थी, जो 70 साल में आज जो पाक चढ़ा बैठा है उसकी बदौलत है, जिसकी बदौलत वो आतंकवादी को टेरिस्ट को बढ़ावा देता है। कौन कह रहा हूँ, मोदी ने यू कर दिया जो कहीं ने ना करे अब तक। क्या किया ऐसा? किसी ने जो किया ही नहीं आज तक। हाँ, वो कर दिया, वो जीतना चाहिए। मोदी इसलिए कर रहा है कि देखिए, मोदी ऐसा आदमी है, वो देश के लिए काम कर रहा है और देश है तो हम हैं, इसीलिए गुडविल है कि मोदी जीतेगा चुनाव। ज्यादातर लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ही उनकी पसंद है। जहां तक बात करें चुनाव की घोषणाओं की, तो चुनाव की घोषणाएं तो हो चुकी हैं, लेकिन अब फिलहाल यहां पर तिलक ब्रिज स्टेशन पर अगर दिल्ली की जनता की राय की बात करें तो सभी की पसंद यहां पर एक मत में नरेंद्र मोदी ही हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, हर तरफ मोदी है तो सब कुछ है, तो पक्ष में 16 है। लोगों ने कहा कि मोदी की ही सरकार बनेगी, मोदी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री, और विपक्ष में 1। तो दिल्ली का मूड मीटर के जरिए इस समय हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे तेज नतीजे आप देख सकते हैं 23 मई को सिर्फ एबीपी न्यूज पर।